मामला हल्द्वानी से सामने आया है, जहां परिवार में लड़की की शादी की तैयारियां जोरों पर थी। आज सोमवार को बारात आनी थी, लेकिन इस बीच प्रेमी को प्रेमिका का शादी करना मंजूर नहीं हुआ और उसने प्रेमिका के होने वाले पति को उसकी निजी तस्वीरें भेज दी। फिर क्या, बवाल तो होना ही था। इन सब के बीच प्रेमिका की होने वाली शादी टूट गई। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल हल्द्वानी में रहने वाली एक युवती ने पुलिस को बताया कि वो वर्ष 2019 में रुद्रपुर की एक कंपनी में काम करती थी। इसी कंपनी में कोटद्वार का अखिलेश देवरानी भी नौकरी करता था। इस बीच दोनों की दोस्ती हो गई। आरोपित ने शादी का झांसा देकर उसकी प्राइवेट फोटो व वीडियो बनाई थी। बाद में शादी से इनकार कर दिया। उसके घर वालों ने रिश्ता रानीखेत में रहने वाले युवक से करा दिया। 16 अप्रैल को सगाई हुई, जिसके बाद घर में शादी की तैयारियां चलने लगी। अखिलेश उसके होने वाले पति को गलत मैसेज भेजने लगा। तब अखिलेश ने अपनी गलती मानते हुए माफीनामा दिया था। युवती का कहना है कि आज सोमवार 12 जून 2023 को शादी होनी थी। 6 जून को अभिषेक ने उसके होने वाले पति व जेठ को फेसबुक में अभिषेक शर्मा नाम की आईडी बनाकर उसकी प्राइवेट फोटो भेज दिए। होने वाले पति ने यही फोटो लड़की को व्हाट्सएप में भेजकर शादी से मना कर दिया। वहीं अखिलेश से कारण पूछा तो उसने गाली गलौज कर फोटो व वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल करने की धमकी दी। बॉयफ्रेंड की छोटी मानसिकता के कारण लड़की ही नहीं, दो परिवारों को शर्मसार होना पड़ा। उसका रिश्ता टूटने के साथ ही स्वजन की बदनामी हुई है। कोतवाल हरेंद्र चौधरी ने बताया कि आरोपित पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पहाड़ की यादें, कुमाऊनी किस्से, हमारी संस्कृति, अनेक वन संपदा, अनेक पक्षी और पुराने दिन, इन सबको दिखाता है ये YouTube चैनल। आइए इस चैनल से जुड़ें, जिसका नाम है झूठे व्लॉग। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।